जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण, गुरु जी के बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग के समय पे एक बात का खास ध्यान रखें कि आवाज बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्हें गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी सारी संगत जी को। एक तो पहले मैं सारी संगत का दिल से तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि जो जो संगत के पास ज्यो ज्यो मेरा सत्संग पहुँचता है ते सत्संग सुनन तो बाद मेरा नंबर या फिर वो मैनू बड़े पॉजिटिव वे नाल याद रखती है संगत ते उन्हां दा अनंतम अनंतम कोट कोट शुकराना कि आप जी सारे इन्नी इज्जत देंदे हो। ते ऐ इज्जत देन वाला कोई इंसान नहीं हो सकता है, गुरु जी आप ही करांदे ने सब कुछ और गुरु जी उधर ही साडा सत्संग भेजदे ने जिधर उन्हां नूं पता होंदा है कि इधर लोड हैगी है। मैं जसकौर दिल्ली तो हैगी हाँ और मैनू नहीं पता है मेरा केड़ा सत्संग हैगा वे क्योंकि गुरु जी की मेहर इन्नी बरसती है, इन्नी ज़्यादा बरसती है कि गिनना बड़ा मुश्किल है संगत जी। तो जिहड़ा तुसी मन नाल सच्चे मन नाल गुरु जी नू याद करते हो, उन्होंने पूजते हो तो गुरु जी थानू फल दे रूप विच एक ते सुख शांति खुशियां ते नाल अपना नाम ए चार चीज़ा बख्शीश देंदे ने जिहड़ा मैं साक्षात गवाह हैगी इस चीज़ की। गुरु जी ने मेरे नाल इन्ना सोहना मतलब मैं तुहानू की दसा संगत जी। एक टाइम सी जदों मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सी वो मैं जानती हाँ या मेरे गुरु जी जानते ने और मैं उस टाइम गुरु जी नू जानती भी नहीं सी। मैनू कुछ भी नहीं पता कौन सी गुरु जी कौन की इन्हों का ओरिजिनल ओरिजिन ओरिजिनेशन ओरिजिनेटेड ए किधरों सी किधर आए सी की करन आए सी किस ले आए सी मैनू कुछ भी नहीं पता सी संगत जी। लेकिन गुरु जी नू सब कुछ पता रहिंदा है साढ़े अपने बच्चे बारे च जिन्होंने सानू जन्म दिता है उन्होंने सब कुछ सब दे बारे च पता रहिंदा है। उन्होंने पता है केड़े केड़ी मुश्किलों के दौर नाल जस टकराई है, उन्हें हिम्मत भी देनी है, उन्हें फिर कष्टां च पाना है, उन्हें फिर हिम्मत देनी है, उन्हें फिर कष्टां च पाना है। तो गुरु जी ने मेरा बड़ा इम्तिहान लिया। मैं 16-17 साल अपना शायद मैनू लगता है मैं इम्तिहान ही देती रही हाँ अपना, लेकिन कभी भी ना संगत जी क्वेश्चन नहीं किया भगवान नूं कि क्यों। मैनू लगता सी तुसीं मैनू इम्तिहान दे रहे हो, तुसी मेरा इम्तिहान ले रहे हो, लो गुरु जी। उस टाइम गुरुद्वारे साहब मैं जाती सी तो एक टाइम यह भी चढ़िया सी एक वेला संगत जी यह भी चढ़िया सी कि मैं एक साल लगातार 365 डेज गुरुद्वारे गई सी बिना नागा किते। मैनू एक दिन याद है कि आंधी तूफान कंकर पत्थर सब पै रहे सी क्योंकि तूफान जिहड़ा सी वो बड़ा ही भयानक सी, लेकिन मैं भी हट्टी हैगी हाँ हट्टी कुड़ियों विचों एक हैगी हाँ जिहड़ा मैंने गुरु जी ने बनाया है, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रोंग बनाई है टचवुड गुरु जी ने। तो मैं निकल पई सी घरों, मैनू नहीं पता मैं वापस किस तरह आवागी और जदों मैं रस्ते सी संगत जी मैनू बड़े पत्थर बड़े कंकर बड़े बहुत कुछ होया ओले भी शायद पे सी उस टाइम वो तूफान बड़ा तगड़ा सी तो ओले भी बरस रहे सी ते मेरे उत्ते ठां 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 ओले भी बचे, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं क्या चलो कोई नहीं बाबा जी के दर ते आई हाँ मत्था टेक के अपने घर नूं निकलना है,
कि मैं संगत जी टोरन लग पई। मैनू नहीं पता, मैं एक दो ऑटो नाल गल की, सारे ऑटो वाले संगत जी परेशान सी, कोई भी नहीं मनिया, एक ऑटो भी नहीं मनिया। जे ये कहे कि सिर्फ 2 मिनट का रस्ता है, असं तुहानू छड आईए। मैं क्या चलो कोई गल नहीं। तो मैं उस टाइम जो मैं चल रही थी ना संगत जी, मैं ओले भी पे, मैं कंकर, मैं पत्थर, मैं सब कुछ पे से। वो जड़ा मैं रस्ता पार किया, 1-2-5 सेकेंड का सी रस्ता। मैं अगे की देखती हाँ, एक ऑटो वाला अंकल खड़े हुए ने मेरे वास्ते नाल सरदार जी, तो नाल मैं मुड़ मुड़ के वेखते सी। उन्होंने मैं पूछा पुत्र किधर जाना है। मैं क्या अंकल इधर ही जाना है। मैं क्या अंकल मेरे को चेंज नहीं। कहते ने पागल हो रही है, तेन पैसों की पड़ी हुई है, तू फटाफट ऑटो चा के बह तो अपने घर जा आराम नाल सुख शांति नाल। इन्ना तूफान आ रहा है, पैसे होणगे दे दे, नहीं होणगे छड़ दे। तो उस वेले तुसी देखो संगत जी, आप ही साक्षात प्रभु जी आके मैनू ऑटो ते बिठा के ते मैनू सुख शांति नाल घर छड़ के चले गए सी। मैनू सच्ची नहीं याद ए गल नू, 3-4 साल हो गए ने। मैं उन्होंने पैसे दिते भी सी कि नहीं दिते सी। ते मैं संगत जी उही कह रही हाँ कि मैनू गुरु जी ने कब तो फड़े होया है, मैनू कुछ नहीं पता। बस ए याद है कि मैं अज पुराना टाइम तुहानू याद करके दे रही हाँ संगत जी, क्योंकि बड़ी संगत हैगी बड़ा परेशान होंदी है। किसी नू 8 साल हो गए परेशानी विच, किसी नू 7 साल हो गए परेशानी विच। तो मैं सोचा कि उन्हें थोड़ा थोड़ा अपना ना हिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा अपना बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा बताया जाए, ताकि सारी संगत नू हिम्मत मिलती है शायद सत्संग सुनने नाल। तो यह भी बड़ा हिम्मत वाला सत्संग हैगा वे। एक टाइम से जो मैं प्रेगनेंट सी, मैं मंदिर बड़ा जाती सी, अचानक ही उत्थे जाके ओम का जाप, लंगर प्रसाद की सेवा, आप ही लंगर बनाना, 3-3 फ्लोर तो नीचे आना। नाल डॉक्टर ने भी जवाब दे दिता सी मैनू, मेरे कुछ MTPs अबॉर्शनस हुए सी। उस तो बाद डॉक्टर ने संगत जी जवाब दे दिता सी मैनू कि आप जिदा नॉर्मल बच्चा होना 1% ही पॉसिबल है, जे महाराज गुरु महाराज की कृपा हुई ता, नहीं तो 99% IV, यानी कि 20-25 लाख का खर्चा मूँह के उत्ते ही। लेकिन होया कि मैं इन्नी पाठ पूजा लगती सी, मैं नहीं पता। मैं क्या कोई गल नहीं, आई भी नहीं कराना, देखते हैं मालक नू जे मंजूर जो भी होएगा उही एक्सेप्ट करना है। ते नाल संगत जी मैं कभी भी नहीं मंगती कि मैनू महाराज जी तुसी ऐ चीज़ दो ऐ चीज़, औरा वास्ते जरूर मंगती हाँ, अपने वास्ते कभी नहीं मंगती, क्योंकि मैनू नहीं पता मेरी मंगी हुई चीज़ मैनू किस टाइम आके दुख देगी। ते बच्चे और प्रॉपर्टी, संगत जी ये दो चीज़ा है ने, जे तुहाडी किस्मत तुहाडी लकीर च मत्थे दी लिखी हुई ने ना, तुहाडे कोल कोई छिन नहीं सकता। लेकिन प्लीज़ ये दो चीज़ा कदी ना मंगिया करो कि हे भगवान सानू प्रॉपर्टी बना दे, हे भगवान सानू बच्चा दे दे, कदी भी ना मंगना संगत जी। यह बड़ा दुखदाई चीज़ होंदिया ने यह दोनों ही, क्योंकि तुहाडी और मूल चीज़ हैगी है जिहड़ी तुहाडी लाइफ लोंग मरने तक जो तुसी उस स्टेज ते आंदे हो ना, ओहो तक तुहाडी ए दो चीज़ां तुहाडे नाल टुरदियां ने। ते जे तुसी अपने लाठी दा सहारा ही पुट्ठा मंग लिता, तुहाडा लाठी दा सहारा की होएगा, कौन होएगा, किस तरह होएगा, किन्ना कच्चा किन्ना पक्का होएगा, यह सोचो। जे तुसी मकान मंगदे हो गुरु साहब नाल, ओह तो तुहानू दे देणगे, तुहाडी भगती तुहाडी आराधना देख के तुहानू गिफ्ट के रूप में जरूर देणगे। पर तुसी यह कदी सोचिए, प्रॉपर्टी तुहानू 500 गज की अगर मिलती भी है, तुहानू 1000 गज की अगर कोठी भी मिलती है, तो लेकिन उस टाइम उसके अंदर किन्ना दुख, किन्ना संकट, किन्ना कलेश, सब कुछ किन्ना ज़्यादा रहिंदा वे, किन्ना ज़्यादा रहिंदा वे वो चीज़। तो कभी भी ना यह चीज़ा मंगण वाली होंदिया ही नहीं है, जो तुहाडे लकीर तुहाडे किस्मत होएगा ना, वह आपे ही आ जाना है। तो जे नहीं होना ना, तो नहीं होना। जे तुसी मंगदे हो सच्चे मन नाल, सिर्फ प्रभु का नाम मंगया करो, होर कुछ नहीं चाहिए सानू। जे तुसी संगत जी बच्चा भी मंगदे हो, तो बच्चा भी तुहाडा आखिरी सांस तक तुहाडे नाल 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 चलता है। जे तुसी मंग मंग के बच्चा लैंदे हो ना, वह भी बड़ा औखा टाइम है माँ प्यो वास्ते। बच्चा वड्डे हो के तुहानू की दे रहा की नहीं दे रहा, तुहानू कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुसी मंगी हुई चीज़ मंग के तुसी लीती है ना प्रभु, वह तुहानू नहीं देना चाहते सी शायद, और तुहानू उस टाइम तक देना ही नहीं चाहते सी। उन्होंने एक टाइम फिक्स किया होया, लेकिन असी अपनी आराधना नाल, अपने शक्ति, अपनी भक्ति नाल ना वो चीज़ तो मंग लेंदे ने, लेकिन सानू की मिलता रिटर्न, सिर्फ दुख। उस थोड़े जे टाइम की खुशी करके ना तुसी अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लेंदे हो,
ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ 2-3 ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ। ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਉ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਪ ਖੁਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, 3ਜਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, 4ਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰ 20 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 5-10 ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ, ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ 10 ਦਿਨ 11 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਮਾ ਪਲੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਉ, ਪਾਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਉ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਟਪਕ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸੱਚੀ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾ,
या फिर असी अपने माँ प्यो तो मंगना छड़ देंदे ने, कुछ नहीं छड़ दे असी, विश्वास हैगा अज नहीं कल नहीं परसों नहीं, पाल तो ऐ ही रहे ना सानू, स्कूल भी इन्होंने पढ़ाना, कपड़े भी इन्होंने दिलाने, कॉलेज भी इन्होंने करवाने, तो नौकरी तक भी इन्होंने ही पहुँचाना है सानू, असी उन्होंने मगरू लगे रहेंगे ना, किन्ने साल साढ़े निकल जाते हैं, 30-35 साल 40-40 साल में जाके अजकल शादियां करा रहे हैं लोग, इन्ने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, पर लेकिन 40 साल तक पहुँचने लिए पैसा जोड़ा है कौन खर्च करता है संगत जी, माँ प्यो ही करते हैं, तो उन माँ प्यो नू कौन देता वे, ए प्रभु साहब ही देते हैं सब कुछ, तो तुम यह सोचो साढ़े जोड़े माँ प्यो है ना, वो भी ओरिजिनेटेड जोड़ा है वे इंसान का, वह किन्ने ही किता है, जोड़ा असं अंश है ना, कि अंश है ना, प्रभु के अंश है ना, असी गुरु साहब के अंश है संगत जी, तो उन्हा उत्ते विश्वास करो, एक बार थोड़ा विश्वास ना हर किसी के उत्ते डगमगा सकता वे, बट लेकिन तुम गुरु साहब के उत्ते ना अपना ना विश्वास नहीं डगमगा सकते हो संगत जी, विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगा सकते हो, ऐ तुसी ना विश्वास है ना इस चीज़ का रखना, ते नाल संगत जी ऐ तुहानू हमेशा एक गल दी हमेशा ऐ तुसी सारे पहचान के रखना एक चीज़ कि जो साडा घर च सत्संग होंदा वे ओ सत्संग गुरु साहब की मर्जी बगैर कदी नहीं हो सकता, बगैर मर्जी ते पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरे अंकल आए हुए ने बाहरों, ते वो आए सी 26 तो 26 एक महीना हो गया साढ़े घर सत्संग नहीं होया, ते जस कौर दे उत्ते गुरु जी की मेहर हुई सी, ते असी हफ्ते च 2 वारी सत्संग करा रहे सी थर्सडे और सैटरडे, लेकिन हुण देखो गुरु साहब की मर्जी नहीं हैगी, ते एक महीना हो गया असी सत्संग नहीं करा पाए संगत जी, हुण मेहर हुई है गुरु जी की, ते असी कल सत्संग करा रहे हैं, असी कल सत्संग गुरु जी का कार्ज करा रहे हैं, मैं बड़ी खुश हैगी हाँ, नाल मेरी सारी संगत जी है कि बड़ी खुश हैगी है, क्योंकि असं गुरु के लड़ इन्ना ज़्यादा लगे हुए हैं ना, घबराहट हुई सी कि महीना हो गया गुरु जी नाराज तो नहीं है ने सत्संग ही नहीं करा लेंगे कार्ज, लेकिन हूँ गुरु जी की मेहर नाल संगत जी कल सत्संग हो रहा है, दीपावली के बाद गुरु जी ने मेहर की है, पर जो भी मेहर की है जिहड़ी भी मेहर की है गुरु जी आप जाने, असी तो गुरु जी के सेवक है गया, जिस पासे लेकर जाणगे असी ओही पासे जाना है, असी क्वेश्चन नहीं करना गुरु साहब नाल कि तुसी ए नहीं करया, ओ नहीं किया, क्यों नहीं कराया, ना कुछ भी नहीं, गुरु जी ने कल आग्या बख्शीश की है, असी कल ही सत्संग करावांगे, तो बड़े खुश है असी संगत जी, गुरु जी की मर्जी नाल चलोगे 100% खुश रहोगे, तो माँ प्यो की मर्जी के बगैर चलोगे राइट लैफ्ट, सच्ची कह रही हाँ संगत जी, बड़ा दुख पाओगे, तो छोटी जी अरदास है आप जी के मूहरे अगे, दैट गुरु जी नू कदी भी क्वेश्चन ना करिया करो किसी भी गल का, कि गुरु साहब तुसी ए नहीं किता, ओ नहीं किता, ए कर दे ओ ना, गुरु जी तुसी जो जिस भी टाइम जब भी कराओगे सानू पता है वो साढ़े लिए दिन समय वक्त बड़ा ही चंगा होना है जिहड़ा कम होना है, तो जिस भी दिन जिस भी टाइम वो कम नहीं हो रहा ना संगत जी रिलैक्स रहा करो, सोचा करो साढ़े वास्ते चंगा नहीं है कावे, एक टाइम से जो मैं स्कूल सी संगत जी ते एक क्लास नहीं सोनी पार की ते मैं स्कूलों बाहर निकल गई सी, बड़ा मशहूर मेरा स्कूल नाल, मैं उस तो बाद बड़े मतलब वो भी स्कूल अच्छा ही सी जेड़ा जेड़ा स्कूल च गई सी, बट उन्ना वधिया नहीं सी, बट लेकिन क्योंकि मार्क्स नहीं चंगे आए से तो जेड़ा स्कूल मैं चेंज किया उत्थे मैं नहीं चल पाई, तो मैं एक क्लास अपनी रिपीट भी की क्योंकि गुरु साहब जी ने ओही मंजूर सी, वो क्लास उन्होंने रिपीट की करवाई, ए देखो तुसी गुरु जी की मर्जी देखो, जे मैं वो क्लास रिपीट ना करती कम नंबर च पास हो ही जाती सिर्फ इज्जत करके कि भैया सोसाइटी मेरी इज्जत हैगी है, लोग की कहणगे एक क्लास फेल हो गई कुड़ी है या एक ओ नंबर कम आ गए, मतलब असी यही सोच देना बेटा नंबर कम लिया कोई गल नहीं बट अगली क्लास तक चढ़ जा साड़ी इज्जत रह जाएगी, असी यही कहते ना बच्चे नू, लेकिन मेरे नाल की होया मैं फ्लंक हो गई, मैं फेल ही हो गई क्लास, मैं बड़ा रोई, मैं क्या बाबा जी तुसी यह कर दिता मेरी मिट्टी पलीत होएगी हूँ सारे मेरा मजाक उड़ाणगे, लेकिन कि सानू फ्यूचर पता सी संगत जी कि जे जस कौर एक क्लास रह गई सी ना क्योंकि गुरु साहब ने ना उन्होंने पूरे स्कूल राज कराना सी, जेड़ा मैं स्कूल चेंज किया
उस स्कूल च जो मैं फेल हो इसी मैं स्कूल छड़ दिता, मैंने दूजे स्कूल जाना पिया। उस स्कूल भी अच्छा, जो मैं उस स्कूल च गई वही क्लास रिपीट करी संगत जी, पूरे स्कूल विच जसकौर नंबर वन, पूरे स्कूल विच मैं अव्वल आई हाँ। नाल मेरा इन्ना वड्डा पोस्टर, नाल मैनू कैश अवार्ड, नाल मेरी इन्नी इज्जत, ओही जिहड़ा मार्क्स आए उन्होंने मैनू कॉलेज सपोर्ट किया, तो मैं इन्ना हाई प्रोफाइल कॉलेज में एडमिशन ले लिता सी अपना। यह देखो संगत जी, तुसी गुरु जी का कमाल, उन्होंने जानबूझ के मैनू एक साल फेल किया क्योंकि उन्होंने मैनू अगले साल राज कराना सी। जो मेरा राज पाठ लिखा हुआ सी ना, तो देखो मैं राज पाठ किया, मैं अपना राजयोग जिया, क्योंकि मैंने सब ने जी 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 करके बुलाना हो कि मैं अव्वल आई सी। 2 साल मैं अव्वल आती रही, उस तो बाद मैंने इन्ने सोने कॉलेज एडमिशन मिली, मेरा पूरा करियर बन गया। तो कदी भी गुरु साहब ने तुसी यह नहीं कह सकते तुसी सानू यह करा दिता, साडी इज्जत यह हो गई, सानू यह ना, उन्होंने साडा फ्यूचर सोचा हुआ जिहड़ा असी नहीं देख सकते। मैं बिजनेस भी करती हाँ, मैं सत्संग, लेकिन कदी कदी हर चीज़ विच असी डुबदे हाँ खड़े होंदे हाँ, डुबदे हाँ खड़े होंदे हाँ। हुण ए समझ आ गई है गुरु जी दे नाल इन्ना कनैक्ट हो के, जे गुरु जी ने यह कम कराया है ना, तो जस तेरे वास्ते भलाई है की है, जिहड़ा लॉस होया ना तेरी भलाई करके होया। मैं वेट कर दिया अगले इशारे का गुरु जी दे, वो इन्हों का अगला कदम किन्ना सोहना आंदा है, मैनू किधर उदों किधर लै जा कि मतलब मैं किधर खड़ी आँदी हाँ मैनू नहीं पता आता, मैनू चुके किधर रख देंदे ने मैनू यह भी नहीं पता आता, मेरा अगर कम भी चलना शुरू हो जाता मैं यह भी नहीं संगत जी पता आता कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दिता है। बस गुरु जी अगे सिर्फ यही अरदास करिए, गुरु जी जब तक जिंदा रहा ना तुहाडी सेवा च लगी रहा, ते नाल हथ ते चोली जो भी फैलावा सिर्फ तुहाडे अगे बस, और कदी भी किसी दे भी अगे ना फैलावा। अगे चल के सारे लोग ही बोलते हैं गुरु जी रहीसा दे आते हैं, मैं यह अपने लास्ट सत्संग भी मैनशन किया, लेकिन जस कौर बड़ी मीडियम क्लास तो गुरु जी ने उन्हों हथ फड़िया जस कौर का, यह मीडियम क्लास तो तुसी संगत जी सारे देखना मैनू गुरु साहब किधर लेके जाएंगे, लेकिन जस कौर उ रही कि जिहड़ी जस कौर आ जाएगी है, ना कोई कमंड ना कुछ, क्योंकि गुरु जी मैनू हर समय हर वेला यही कहें नीवा होके रही, क्योंकि तू बड़ी सेवा करनी है हले, तेन बड़ा कुछ देना है, पर नीवा होके रही, फल हमेशा नीवे चुके हुए पेड़ा ही लगते हैं। तो मेरा भी यही संगत जी हैगा वे, मेरा गरीबा वास्ते प्यार बहुत ज़्यादा है, जिहड़ा भी मैं देखती हाँ स्टैंडर्ड या पॉवर्टी लाइन तो नीचे, मेरा दिल बड़ा रोंदा है, नैचुरल हैगा, मैं बहुत कुछ करना भी चाहती उन्होंने वास्ते, मैं करांगी भी जरूर, जो गुरु साहब की मेहर होएगी मेरे उत्ते हुक्म होएगा मैं जरूर करांगी। तो हमेशा नीवा होके चलना है, तुसी अरबोपति बन जाओ, तुसी करोड़पति बन जाओ, तुसी जेड़े मर्जी था ते पहुँच जाओ, नीवा होके रहना है हमेशा, कभी भी घमंड नहीं करना। गुरु साहब ने एक चुटकी घुमानी है, राजा तो रंग, रंग तो राजा बना देना, बस सिर्फ गुरु जी कहते हैं सब दे नाल प्यार दे नाल बोलो, नाल नीवा होके रहो, अकड़ किसी नूं नहीं दिखानी। जड़ा कोई कुछ गलत भी कर रहा है ना, तुसी देख भी रहे हो, आपे चुप रहना, मैं जवाब देवांगा, तुसी अपना मुँह नहीं गंदा करना, तुसी अपने कर्म नहीं माड़े करने। तो संगत जी सच्ची कह रही हाँ, यह वाली जिहड़ी तुहानू लाइन हुण मैं बोली है ना, यह मैं बड़ी कोशिश करती हाँ अपने ते भी इंप्लीमेंट करा, बट सच्ची कह रही हाँ यह पूरे सत्संग विच ना यह लाइन मैं अपने ते इंप्लीमेंट नहीं कर पाती हाँ, क्योंकि जदों मैं कुछ गलत, कुछ झूठ, छल फरेब होंदे वे देखती हाँ ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हाँ। झूठ जिहड़ा हैगा ना मेरी नसा नू फट मतलब ब्रेक करदा है, तो मैं एक ओ ते एक गरीब दे नाल इनजस्टिस, ए दो चीज़ा है कि अगर मैं अपनी अखा चो ये दोनों ही चीज़ा देख ला सुन ला ना, मैं पागल हो जाती हाँ संगत जी, मैं मेरे अंदर फतूर है, तुसी जो मर्जी कह लो कि जस कौर शायद पागल हो जाती है चीज़ा नू देख के, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं करती। मैंने गुरु साहब का मैसेज भी बड़ी बार आंदा है कि ना इन्ना गुस्सा कर, शांत हो जा, शांत रह, मैं बैठा हुआ, पर गुरु साहब मैनू शक्ति दे कि मैं झूठ जे देख भी रही हाँ सुन भी रही हाँ बर्दाश्त करन दी उन्हों शक्ति देन मैनू, ते नाल किसी गरीब नू देखदी हाँ उहदा दुख उहदा दर्द मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा, मैं तां भी बड़ा मायूस हो जाती हाँ, बड़ा डिस्टर्ब हो जाती, तो मैनू गुरु साहब या ते शक्ति देन या मेरे उत्ते मेहर बरसान इतनी कि मैं दोनों चीज़ों नू सॉल्व करन दी कोशिश करा संगत जी। मतलब मैं ऑनेस्टली कह रही हाँ मैं दो चीज़ा मेरे कंट्रोल च नहीं हैगी है, मैं पागल हो जाती हाँ, मैं लड़ पैंदी हाँ, मैं हर उस गरीब वास्ते खड़ी हो जाती हाँ, वो बंदा जे अपनी आवाज़ नहीं चुक सकता ना चुके मैं जरूर चुकती हाँ, ते नाल जिहड़ा बंदा कुछ गलत कर रहा होता है पब्लिक डिस्टर्ब हो रही होंदी है उस एक गलत बंदे तो,
मैं तां भी नहीं चुप रहती, मैं पब्लिक वास्ते भी बोलती हाँ। मतलब मेरे अंदर ना गुरु साहब ने मैनू नहीं पता की डाले हुए है एलीमेंट्स, जिहड़ा मैं अपने ते फिर भी बर्दाश्त कर लेंदी हाँ। मेरे ते कोई चीज़ आंदी मैं बर्दाश्त कर लेंदी हाँ, लेकिन मेरे किसी भी वह बंदा सारे बंदे मेरे ने, चाहे मैं उन्होंने जानदियाँ नहीं जानदियाँ, बट मेरे अंदर मोह ममता बहुत ज़्यादा है लोका, मतलब बहुत ज़्यादा तुसी कह लो, मतलब औरतों वास्ते जड़ी कुछ नहीं कर सकदियाँ ने, मासूम होंदियाँ ने, भोली पाली होंदियाँ ने, अपने वास्ते नहीं लड़ सकदियाँ, उत्थे लगता है जस कौर हैगी है। ते संगत जी बस खाली यही अरदास है सब दे अगे, वे प्लीज़ इफ यू रियली बिलीव इन गुरु जी दैन सरेंडर योर सैल्फ, तुहानू अंदरों इन्नी शक्ति मिलेगी ना, आप ही तुसी इन्नी शक्ति महसूस करोगे ना अपने अंदर। मैनू अपने अंदर साक्षात काली माँ की शक्ति महसूस होंदी है, मैनू अपने अंदर मतलब हुण ए लगता है कि जिवें गौरी माँ मेरे नाल ही खड़ी हुई ने, मेरे नाल ही चलते हैं, मतलब हर जगह पर मैनू यही फील होंदा है कि मेरी माँ और मेरा प्यो दोनों ही मेरे नाल ना लेके ना, मैं बिल्कुल नहीं डर हैगी अज, मैं किसी चीज़ का खौफ नहीं लगता, मैं किसी चीज़ नाल नहीं डरती। मैं लगता है जो पूरे संसार का पालनहार ही मेरे नाल खड़े होया है तो मैं डरन की लोड़ ही क्यों है। बस वो हर बार तुहानू यही चीज़ कहती हैं, गुरु प्रभु नू पाण दा सिर्फ एक तरीका है सच्चाई, मासूमियत और प्यार और नीवापन। ये चार चीज़ा अपने अंदर तुसी जो डाल लोगे ना, तुहानू इंटरनली खुद ही महसूस होएगा कि वाकई मेरे नाल कोई चल रहा है, मैं कला नहीं है वहाँ। तो नाल मैं जो भी इंपोर्टेंट काम नाल जाती हूँ, मैं गुरु जी नू अपने नाल लेके ही जाती हाँ, गुरु जी अगे अरदास पाती हैं, गुरु जी आप जी ने मेरे नाल चलना, तो गुरु जी मेरे नाल चलते भी है ना, तो जोड़ा काम होना भी नहीं होता वह भी वह कर देंगे ना बड़े प्यार, तो जोड़ा उन्होंने पता है बच्चा विगड़ेगा इधर उन्होंने संभाल भी लेंगे ने, यह मेरे गुरु साहब है ने। तो जस कौर दोबारा आएगी अपना कोई प्यारा जहा सत्संग लैके, भी गुरु जी हर रोज़ कुछ ना कुछ कोई ना कोई बड़ा ही प्यारा बड़ा ही सोहना सत्संग करते हैं। तो बस अज का इंपोर्टेंट मेरा सत्संग यही से कि कल मेरे घर सत्संग हो रहा है एक महीने तो बाद, तो गुरु जी ने इन्नी मेहर की है, तो सारी संगत को जय गुरु जी सरबत का भला करना, सारी संगत निहाल करना, खुशियाँ सुख शांति दे के जिन्हों भी आप जी की लौट हैगी है उधर जाके अपने सोहने दर्शन सोरे कमला वाले चरण जेके जिहड़े तुहाडे हैगे ने वह दे के दर्शन दे के संगतां नूं निहाल करना गुरु जी। तो जिवें मैं हमेशा कहती हाँ सत्संग करन जिधर भी जाती हाँ उधर ही यह कहती हाँ गुरु जी उधर भी रहना है तो वापस अपने घर भी आना है, कि गुरु जी जिधर भी मैनू सत्संग कराते हैं संगत जी उधर जरूर दर्शन देंगे ने, बड़े ही सोहने दर्शन देंगे नाल उधर रह भी जाते हैं, कि गुरु साहब नूं पता है मैनू भेजते ही उस घर सत्संग करन जिधर दुख होए तकलीफ होए, मैं पसंद भी उसी घर जाना करती हाँ जिन्होंने मैनू पता है इतने दुख हैगा वे प्रॉब्लम है की है, गुरु जी नूं मैं चाहती हाँ पहले उधर ही लेके जाए, जो बंदा ज़्यादा परेशानी चाहिए गुरु जी की जरूरत उन्नू ज़्यादा है, तो मेरे हमेशा यही अरदास रहती है। तो गुरु जी हमेशा आके अपने सोहने दर्शन भी देते हैं नाल उधर ही रह जाते हैं नाल मेरे नाल भी घर आते हैं, क्योंकि गुरु साहब जी का घर तो यह भी है ना संगत जी गुरु जी तो बड़े बहुत ज़्यादा तुसी कह लो मल्टीपल की भगवान है साक्षात महाशिव है ने, कल्ले कलम तो है नहीं गुरु जी तो बड़े रूप है ने, किसी येलो चोले च वाइट चोले च लाल चोले च बड़े रूप ने साडे गुरु जी के, वक्रो वक्रो अपने रूप के दर्शन देंगे ने संगतान को, निहाल करते हैं संगत जी। बस प्यार बनाए रखो अपना गुरु जी के नाल, सिर्फ विश्वास करो सरेंडर कर दो अपने आप को, जिवें जिवें तुहाडे दिन कटते जाणगे ना गुरु जी के नाल संगत जी बिलीव मी ट्रस्ट मी तुहानू अंदरों इन्ना सुख इन्नी शांति मिलेगी ना, तुहानू लगेगा यार दुख ए दुख होंदा है। कभी भी ना अपने तो उच्चा बंदा ना देखो, हमेशा अपने तो नीवा देखो, तुसी हमेशा खुशियाँ सुख च रहोगे हमेशा। मेरे कोल कुछ हैगा नहीं हैगा, अज सब कुछ हैगा कल होएगा नहीं होएगा मैनू कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं दुख विच भी नॉर्मल है तो सुख विच भी मैं नॉर्मल ही हैगी हाँ संगत जी, मैनू कोई फर्क ही नहीं पैंदा। तो सब तो बड़ा प्रूफ ही यही है जो तुम भगवान नाल जुड़ते हो ना संगत जी, तुहानू दुख सुख का फर्क ही पैना छड़ दिंदा है, मतलब तुहानू कोई फर्क नहीं लगता, तुहाडे वास्ते सारे दिन इक्वल हो जाते हैं। असं करना ही की है संगत जी, दुख सुख नाल देन वाला लैन वाला साडा आप ही प्यो बैठे हुए है ना, वो कहें रचायता भी मैं ही है, रचता भी मैं ही है तुहाडे दुखा का रास्ता,
उस तो बाद तुहानू सुख लाण दा रास्ता भी मैं ही दिखांदा वां, ते फिर सानू टेंशन लैण दी की लोड़ है? दसो, जिहड़ा दिन निकलदा निकले जाए। बस ए हैगा वे, गुरु जी किसी दी भी रोटी पानी बंद नहीं करते, उन्हां इन्ना जुगाड़ रगाए रखते हैं कि रोटी पानी तुसीं खाए जाओ। नाल गुरु जी साफ कहिंदे ने, जे मैं तेरे कर्मा दा बूटा हटा के मैं तैनू देण वास्ते ना तैनू रंग तो राजा बना दा, ते जिहड़ा तेरा कर्मा दा बूटा लगे होया है उहनू की करांगा? अज तो मैं तेरे नाल लैका, तू तां वी डर रहा है अपने कर्म कश कटवाण लई, तू डर जांदा मैं किस तरह करांगा किस तरह करांगा। ते जदों ऐही बूटा तेरा पेड़ बन जाएगा, उस तो बाद किस तरह तेरे कर्म कटणगे, ए वी ते सोच। ते गुरु जी साडी लाइफ विच आए ने ताकि साडे कर्म जिहड़े माड़े कर्म है ना उहनू फटाफट काटण वास्ते आए ने, वो हैल्प करदे ने किस तरह काटना है। बस और तुहाडे कर्म जिस तरह कटदे जाणगे ना संगत जी, तुसीं अगे अपने आप वधदे चले जाओगे। ट्रस्ट मी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਦੇਣਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੰਗੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਓ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਏ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਨਮ ਹੋਏ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਨਿਕਾਲੋ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਦੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੋਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ 108 ਵਾਰ, ਜੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਉਸਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਟੱਚ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸ ਕੌਰ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਾਵੇ, ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਗੇ, ਚੇਲੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਦਿਵਾਲੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ।